आज है 3 तारीख और है बृहस्पतिवार। ये दिन बहुत पावरफुल बन पड़ा है क्योंकि 3 का मूलांक है और बृहस्पतिवार का दिन है। इसकी पावर लेने के लिए इस यंत्र को आप बना लीजिए। ये 3 का यंत्र आप कह सकते हैं और ये रिपीट हो रहा है हर खाने में 3-3 बार। इनका टोटल होता है 12 है। 12 यानी 2+1=3। तो 3 की सत्ता है आज, 3 की पावर है, और 3 की सत्ता स्थापित करें और अपने जीवन में बृहस्पति को आमंत्रित करें। देव गुरु की कृपा से आपके घर में सुख सौभाग्य जागृत होंगे। आपकी ज़िंदगी में शिक्षा का अभाव दूर होगा। आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आने लगेगा जो बृहस्पति की कृपा से आपको चाहिए है। सोने ही सोना बरसेगा आपके आंगन में। सोना बरसने मतलब पैसा ही पैसा आपके आंगन में बरसेगा, झड़ी लग जाएगी पैसों की, ऐसा प्रभाव होगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, वो जब तब जान पाएंगे जब वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के ज़रिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो बहुत ज्ञान भरे होते हैं और जो आपको तरक्की देने में सहायक भी होते हैं। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, अपने हाल चाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सदा खुशहाली को प्राप्त करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए यही होती है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और आपको पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि आपको ये आखिर कहाँ बनाना है, किस जगह पर आपको बनाना है और क्या ऐसा करें जिससे निरंतर आपके जीवन में धन ही धन आता रहे। क्योंकि धन हर किसी को चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पीला रंग का ये स्केच मैंने बनाया है, स्केच पेन से बनाया है। आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, केसर का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पीला दिखना चाहिए। और ऐसे अक्षर आपको 4 खाने बनाकर 3-3-3-3-4 बार लिखने हैं। ये प्रक्रिया अपनाने से आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा और किस जगह आप इसको बनाएं जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिले, तो इसी की जानकारी मैं देने जा रही हूँ। मित्रों, बृहस्पति देव गुरु हैं और देव गुरु होने से उनमें अनुशासन बहुत है। लेकिन जिनका बृहस्पति अस्त होता है या मकर राशि में होकर नीच का होता है या सूर्य के साथ होकर अस्त होता है या पापाक्रांत होता है, उनके जीवन में धन का अभाव होता है और वो अहम के शिकार होते हैं। वो अहंकारी बहुत होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझते, हर कोई किसी को कुछ भी बोल देते हैं। ये उनकी नेचर में आत्मसात हो जाता है और वो नहीं समझ पाते कि उनको किस तरह का व्यवहार करना है। आप अपनी गलती अगर स्वीकार करते हैं तो समझ लीजिएगा आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो गया है। आप सत्य का प्रयोग करते हैं वाणी में तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। बहुत अनुशासित आप हैं तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। अपनी गलती आप स्वीकार लेते हैं, हालांकि आपकी गलती होनी भी चाहिए तभी आप स्वीकार करते होंगे, तो अपनी गलती को आप स्वीकार करते हैं तो भी उससे आपका बृहस्पति अच्छा हो जाता है। ये ऐसे उपाय हैं जो कुछ करना नहीं होता, अपने नेचर में ही संशोधन करके आप बृहस्पति की पावर को प्राप्त कर सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा करने, उस पर हल्दी अर्पित करें, भीगी हुई चने की दाल अर्पित करते हैं तो आपका बृहस्पति अवश्य ही श्रेष्ठ होता है। उसमें एक पीले रंग की बत्ती लगाएं जो हल्दी से रंगी हुई हो, सामान्य बत्ती, और पीले रंग से ही पेंट करें दीपक पर, गोल्डन कलर का पेंट करें और वो दीपक आप प्रज्वलित करें केले के पेड़ के समक्ष, तो आपका बृहस्पति अच्छा होता है और आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। पीली गाय को देखकर ये मंत्र जपें, ओम गो मातरम वंदे गो मातरम ये बोलें या बृहस्पति के मंत्र जपें गाय को देखकर, और पीला भोजन उनको कराएं, पीली चने की दाल देवें, गुड़ देवें, और गाय को देखकर, अगर पीली गाय को देखकर आप बृहस्पति का मंत्र जपते हैं तो आपको बृहस्पति की सत्ता प्राप्त होती है, बृहस्पति की पावर आपको मिलती है। कुल मिला के आपका बृहस्पति आपको श्रेष्ठ परिणाम देता है और बृहस्पति की जो उन्नत स्थिति होती है वही आपको धनवान बनाने में अहम रोल अदा करती है। जिसका बृहस्पति होता है न केवल वो धार्मिक होता है वरन बहुत अथाह संपत्ति का मालिक भी होता है। उसके कई मंदिर होते हैं, मंदिरों से वो आय कमाता है, मंदिर का कोई पुजारी भी हो सकता है, चढ़ावा इतना आता है कि अर्निंग हो जाती है। वो किस प्रयोग में लेते हैं वो तो वही जाने, लेकिन चढ़ावा बहुत आता है ऐसे मंदिरों में जिसमें बृहस्पति का वास होता है,
उनमें लोग सोना दान करके जाते हैं, गुप्त दान करके जाते हैं। तो कई तरह से मंदिरों में ये चढ़ावा आता है। सामान्य जन भी जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, वो ज्ञानवान और विद्वान होता है, उसके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होती, उसके पास ज़मीन जायदाद का बहुत ज़्यादा महल खड़ा होता है। जिसको अपना बृहस्पति अच्छा करने की चाहत है, वो गाय के साथ दुर्व्यवहार ना करें, पीली गाय की सेवा करें और गाय को अपशब्द ना बोलें, खदेड़े ना, मारपीट ना करें, गाय के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, पूंछ ना खींचें गाय की, तो ऐसा करने से आपको बृहस्पति की पावर मिलती है। कुल मिला के गाय को माँ के समान दर्जा दिया गया है और माता के समान आप पीली गाय या सफ़ेद गाय की सेवा करते हैं या किसी भी कलर की गाय की सेवा करते हैं, तो वो मातृतुल्य होकर ही आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। देवी देवताओं के चित्र अगर आपके घर में बेकदरी से पड़े हुए हैं तो उनका अपमान ना करें, आप उसको यथास्थान जल प्रवाहित करें या किसी को दे दें, या फटे टूटे हैं मतलब योग्य उनको काम में नहीं ले सकते आप, तो उनको कहीं भी आप चढ़ा दें, डिस्पोज कर दें, लेकिन उनका दुरुपयोग ना करें, आपके द्वारा उनका अपमान किसी भी रूप में ना करें। किसी से भी जो विद्या है वो मुफ्त में ग्रहण ना करें। अगर आप ट्यूशन लेते हैं तो टाइम पे पेमेंट करें, अपने गुरु का आदर करें। गुरु इस लायक भी होना चाहिए, आजकल कलयुगी गुरु का तो हम हाल सुन ही चुके हैं कि किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। गुरु सात्विक हो और शुद्ध हो और वास्तव में गुरु कहलाने लायक हो, हमारा आशय ये है। तो कभी भी किसी से ज्ञान मुफ्त में नहीं लें, ऐसा करने से आपका बृहस्पति पीड़ित हो सकता है और उनका पारिश्रमिक टाइम पर देने से आपका बृहस्पति अच्छा हो सकता है। रिलीजियस बने यानी धार्मिक बने और नास्तिक लोगों से कोई व्यवहार ना रखें, ऐसा करने से भी आपका बृहस्पति अच्छा होता है। कुल मिला के आस्तिक व्यवहार करें, अपनी चरित्र को सुदृढ़ रखें और हर किसी का भला करें तो आपका बृहस्पति अच्छा होता है। तो आज मैंने आपको बताए बृहस्पति को अच्छा करने के उपाय। अब मूल बात पर आते हैं, आपको ये जो तीन का यंत्र है आपको इसको पूरब दिशा में लिखना है, क्योंकि जो पूरब दिशा है बृहस्पति की मानी गई है और पूरब दिशा में आप गुरु यंत्र स्थापित करें पीले कपड़े पर और उसका पूजन करें, हल्दी की माला से जाप करें और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें, तो आपको बृहस्पति की पावर प्राप्त होती है। 3000 की संख्या में या 300 की संख्या में या 30 की संख्या में 3 का अंक आना चाहिए। गुरु के मंत्र आप जपते हैं तो आपको गुरु के गुरु ग्रह की पावर प्राप्त होती है। आप ऐसे ही उपाय करते रहिए, मैं आपको उपाय बताती रहती हूँ और आगे भी बताती रहूँगी। तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेगी।